मेरा हेयर फॉल करीब 2 साल से हो रहा है। 2 साल में इसमें मैंने कभी कभी लोगों ने इतना जरा कितने तेल, कितनी दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टरों का मैंने ट्रीटमेंट लिया है। आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मुझे सर्जरी के लिए 2 दिन लगे, कल मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे, आज ट्रांसप्लांट हुआ। आपका स्वागत है क्यूएसटी क्लिनिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास हेयर ट्रांसप्लांट और डर्मेटोलॉजी सॉल्यूशंस का अनुभव। क्यूएसटी क्लिनिक पर ऑर्डिनरी पीपल, सेलिब्रिटीज और टॉप नॉच मॉडल्स से लेकर सभी भरोसा करते हैं, और ये भरोसा हमने जीता है अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सुपीरियर रिजल्ट्स की वजह से। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पेशेंट से जो नॉर्वुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और उनका बॉल्डनेस का कारण जेनेटिक पैटर्न नहीं है। तो चलिए देखते हैं उनकी जर्नी। मेरा नाम सागर, मैं मेरठ से यहाँ हरिद्वार QHT क्लिनिक से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल करीब 2 साल से हो रहा है। 2 साल में इसमें मैंने कभी कभी लोगों ने इतना जरा कितने तेल, कितनी दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टरों का मैंने ट्रीटमेंट लिया है, पर कोई फ़ायदा नहीं लगा उस चीज़ का। कभी लगता उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे, बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल किया, पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे उनके। मेरे फादर्स का कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है बाल हेयर लॉस का, ना मेरे किसी भी गार्जियन का है। फिर मैंने YouTube पे जो अपना QHT का रिव्यू देखा, बहुत सारे करीब 1 साल से मैं सर्च कर रहा था अच्छे क्लिनिक के लिए। अभी फिर QHT के बारे में पता किया मैंने, अच्छा रिजल्ट देखे इसके। एक मेरा दोस्त था, उसने भी यहीं से कराया था, फिर उसका रिजल्ट देखा और मुझे अच्छा लगा। लाइन्स वगैरह का हेयर जो नेचुरल है, नेचुरल लाइन है, अच्छा क्लिनिक है, स्टाफ अच्छा है। अभी मैं 2 दिन से यहाँ पे स्टाफ से बातें कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टाफ है। मेरा काम ऐसा है कि मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, तो मेरा काम ऐसा पानी चेंज होता रहता है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाल हेयर लॉस हो रहा है। जितना पानी इस्तेमाल करते हैं बाहर का, तो ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है बालों की, मेरी किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने क्लिनिक से कॉन्टैक्ट किया, यहाँ मैडम से बात हुई, मैडम ने हमें फ़ोटोज़ मंगाए। फ़ोटोज़ में मैडम ने बताया कि अराउंड 2500 से 3000 ग्राफ्ट के आसपास आपको लगेंगे। ठीक, इस बारे में डिस्कस हुआ, मैडम ने बताया हमें कि क्या क्या करना है, आप यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार। अभी मैं बहुत पेशेंट से मिला हूँ, पर अब देखते हैं कि मेरे फेस के शेप के अनुसार कैसा मुझे लुक मिलता है, कैसा डॉक्टर साहब लुक देते हैं, तो बाकी देखते हैं सर्जरी के बाद क्या मिलता। मिलते हैं आपसे। Now you can book a free online video consultation with our experts by clicking on the number given in the description. Hello friends, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आज के हमारे स्पेशल पेशेंट की एज 31 ईयर्स है। नॉर्वुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन एम शेप में बदल गई है और उनके फ्रंटल एरिया में थिनिंग होने लगी है, लेकिन उनका रिमेनिंग स्कैल्प एरिया नेचुरल डेंसिटी से भरा हुआ है, जो है एक अच्छा साइन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हर हेयर ट्रांसप्लांट केस में जरूरी होती है, वो है डोनर एरिया का हेल्दी होना। और इस पेशेंट का डोनर एरिया इज नॉट जस्ट हेल्दी बट ऑल्सो रोबस्ट। हमारे एक्सपीरियंस सर्जन्स ने पेशेंट के यूनिक फेशियल फीचर्स और एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए एक यू शेप हेयरलाइन डिजाइन की है। इस डिजाइन में हेयरलाइन को मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। ये सब प्रिसिशन वर्क एंश्योर करता है कि पेशेंट की हेयरलाइन कम्प्लीटली नेचुरल लगे। आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मुझे सर्जरी के लिए 2 दिन लगे, कल मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे, आज ट्रांसप्लांट हुआ। 9 बजे मेरा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था और अभी करीब 6:30 बजे ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। ट्रांसप्लांट में कुछ ऐसा दर्द वगैरह का कोई इश्यू नहीं था, कि दर्द हुआ हो में कोई दर्द नहीं था। बाद का होता है, बाद का कुछ पता नहीं, पर अभी ट्रांसप्लांट चलते हुए कोई दर्द नहीं। स्टाफ का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, स्टाफ ने जो हमेशा मैं जो भी करा कोऑपरेटिव गया, और हर चीज़ के लिए जो इंजेक्शन्स भी लगाने हैं उसके लिए पहले बताना है,
अगर पेन हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स भी आ रहे थे पूछने के लिए कि पेन हो रहा है, कुछ परेशानी, कुछ नहीं रही। मेरे करीब 2800 ग्राफ्ट के आसपास लगे हैं और मेरा जो फ्रंट एरिया हेयरलाइंस है, जो सारी हेयरलाइंस दूर तक जा रखी थी, अभी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है। और मुझे मैम ने बताया कि जो ट्रीटमेंट आगे के लिए दिया है, कुछ चीज़ों के लिए मुझे ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद धूल मिट्टी से बचाव करना है, धूप में नहीं निकलना, और एक स्प्रे दिया गया है हर 2 घंटे बाद वो स्प्रे करना है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि QHT आप आएँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जिन भाई के भी या जिनके भी ये बाल वाली परेशानी है, एक बार आकर कोशिश करें कि यहाँ पर आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अपने एक अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक यू QHT। प्रोसीजर के दौरान ग्राफ्ट को बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। एडवांस्ड FUE टेक्निक का यूज करके हेयरलाइन जोन के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिससे हेयरलाइन नेचुरल और हार्मोनियस लगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है। इस पर्टिकुलर सर्जरी में टोटल 2800 ग्राफ्ट को पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। आगे मिलेंगे हम आपको अपने पेशेंट के अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।